takes another ease, my tripsies. The brother loves it. कैसे नाच रहे इस वक्त, कैसे इरफान पठान नाच रहा है, कैसे वो जश्न मना रहे हैं भाई। सारा मैच एक तरफ इरफान पठान का मजा आ गया भाई। इतनी बड़ी टीम होने के बाद आप हार रहे हैं, तकलीफ दे बात है। ये तो आराम से जीतते आप। उस दिन भी नाच रहे थे वो, आज भी नाच रहे हैं। तुम लोग उस दिन भी रो रहे, तुम लोग आज भी रो रहे हैं। 20 दिन के अंदर दूसरी ट्रॉफी भारत लेके चला गया T20 फॉर्मेट की। उनके बुड्ढे प्लेयर्स भी हमसे पूरी दुनिया से बेहतर है। पड़ोसियों क्या हो यार तुम लोग, बच्चे तुम्हें फेल के चले जाते हैं, जवान तुम्हें फेल के चले जाते हैं। हिंदुस्तान के युवराज सिंह का पेट देखो, इतना बड़ा पेट हो के भी तुमको पेल के चले गए। हमने इतना मजाक उड़ाया जब हमने इंडिया को हराया, इरफान पठान का मजाक उड़ा रहे, युवराज का मजाक उड़ा रहे, उथापा का मजाक उड़ा रहे, सुरेश रैना का मजाक उड़ा रहे, उनके अकाउंट में जा जाके उनको तंग कर रहे हैं। शर्मा ऐसा हिट किया है कि हमें पूरी तरह से हिला के रख दिया। सारी जिंदगी नहीं जीतेंगे हम, नहीं जीत सकते, नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते इंडिया को। इंडिया का प्रेशर ऊपर से फाइनल में पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की आने वाली नस्लें बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारी किस्मत में ना ये चीज लिख दी गई हुई है कि हम इंडिया से जीत नहीं सकते कभी। एक के चेहरे के ऊपर भी सैडनेस नजर नहीं आई कि आप एक तो चैंपियनशिप हारे हैं, ऊपर से आप भारत से हारे, इंडिया से हारे। ना हमारे मैन क्रिकेट कभी इंडिया से जीत पाई है, ना हमारे लेजेंड जीत पाए है। यूनुस खान ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि इंडिया से 2007 का भी आज बदला लेंगे, 2024 का भी बदला लेंगे, और पाकिस्तानियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएंगे। सुल्तान ने बता दिया कि बेटा हम कल भी पाकिस्तान के पापा थे, हम अभी भी पाकिस्तान के पापा हैं। इससे बेहतर पहला मैच भी हार जाते ताकि हमसे इनसे कोई उम्मीद ना लगाते हम इनसे, ना इनसे उम्मीदें लगती, ना दोबारा से दिल टूटता। हमारा ड्रीम है कि पाकिस्तान जीत जाए इंडिया से, पर वो नहीं हो सकता, ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। किस टीम के साथ हमारा पाला पड़ गया है, हमें हमारे लेजेंड खेलने जाते हैं वो हार जाते हैं फाइनल जाकर, और यहाँ हमारे यंग टैलेंट खेलने जाता है वो हार जाते हैं। अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने से देखा ना किस तरीके से यूसुफ पठान इंडिया का झंडा लेकर आया है, ये किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं था। यूसुफ पठान की ताबड़तोड़ किस्म की बैटिंग, युवराज सिंह की ब्रिलियंट किस्म की कप्तानी, अलग है वो इतने ज्यादा फिट भी नहीं थे, बट जिस तरह से इस टूर्नामेंट में उन्होंने कप्तानी की है, अपने बॉलर्स का जिस तरह से यूज किया है, काबिले दीद था। रियल पठानों ने, हिंदुस्तान के पठानों ने नकली पठानों को ऐसा पेंटा फाइनल में मार दिया कि एक साल तक ये नहीं भूल पाएंगे। संडे आएगा और इरफान पठान ट्वीट करेगा पड़ोसियों संडे कैसा रहा, तो फिर सो के गुजारना, क्योंकि आप उठोगे तो शर्म आएगी। और मैं कहता हूँ डूब के मर जाओ कि आपके यंग अंडर 19 हो गया, आपकी यंग टीम हो गया, आपके लेजेंड हो गया, फिर बची कौन सी जो इंडिया से भाई हारने वाले। आंसू में तेल लगाकर आए हुए, पता नहीं खेलने आए क्या करने आए हुए, सीधे सीधे कैचेस छोड़े। ये शुएब मलिक किसके लिए खेल रहा था भाई? यहाँ पे बात बनती है खोपड़ी की, दिमाग की। ये पाकिस्तान के फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फायरिंग थे। अब इरफान पठान अगर ट्वीट करे कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा है, तो फिर मिर्चियां तो नहीं लगेंगी, क्योंकि आपने भी तब उसको तंग किया था। कैसे हंस रहा है वो वहाब रियाज ना हो तो, सीधे मैच में दो दो वाइडे फेंक रहे हैं। यूसुफ पठान दिन ब दिन पता नहीं क्या ये डोले शोले फुलाता जा रहा है, संडा होता जा रहा है, और क्रिकेट इसको वापस लेके आओ। यूसुफ पठान को बोलो कि माइग्रेंट करे पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम में आ जाए, तो उनके सर फाड़ दूंगा मैं। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन थी कि जीतेंगे हम? हमें इनसे उम्मीदें थी, हम कहते थे यार ये इंडिया से जीतेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों WCL यानी वर्ल्ड चैंपियंस लीग में भारतीय टीम ने इन पाकिस्तानियों को इतनी बुरी तरीके से धोया कि ये पाकिस्तान वाले सोच नहीं सकते, और मतलब 20-25 दिन के अंदर भारतीय टीम ने दो बड़े टाइटल जीते हैं। पहला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता, तो वहीं दूसरा WCL यानी वर्ल्ड चैंपियंस लीग का फाइनल जीत गए, और वो भी पाकिस्तान से, जिसके बाद से इरफान पठान का डांस, गुस्से वाला डांस पूरे पाकिस्तान में वायरल है और पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मतलब ट्रेंडिंग में है, जिसको लेकर इन पाकिस्तानियों का कहना है कि इरफान पठान का इस तरह का डांस बनता है, क्योंकि जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन दिखाए हैं पूरे मतलब पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया है, लेकिन इरफान पठान का डांस हमें जलन पे मतलब नमक डालने के बराबर है। हमें रुसवा करना था, हमें जिसको कहते हैं ना एंबैरस करवाना था, हमें शर्मिंदा करवाना था। जाते ही ना हार जाते, सेमीफाइनल हार जाते, ग्रुप स्टेजेस के अंदर हार जाते। अब वो कैसे नाच रहे हैं इस वक्त, कैसे इरफान पठान नाच रहा है, कैसे वो जश्न मना रहे हैं। एक तो जिसको कहते हैं ना सिंपल गेमें जीत के ये हमारे दिमाग में हावी हो जाते हैं, हमारी तो जिसको कहते हैं किस्मत ही खराब है कि हमें ये टीम मिल गई, इस टीम से उम्मीदें लगाने पड़ गई है। यार कोई डेडिकेशन होती है, कोई एफर्ट होता है, कुछ तो होता है, कोई डेडिकेशन नजर नहीं आ रही। ये किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं था, ये वर्ल्ड कप के इक्वल था मुकाबला। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने से देखा ना किस तरीके से यूसुफ पठान इंडिया का झंडा लेकर आया है, ये किसी वर्ल्ड कप से कम नहीं था, ये वर्ल्ड कप के इक्वल चीज थी। वो ट्रॉफी जीत गए हैं, 20 दिन के अंदर दूसरी ट्रॉफी भारत लेके चला गया T20 फॉर्मेट की। उनके बुड्ढे प्लेयर्स भी हमसे पूरी दुनिया से बेहतर है, हमारे यंग प्लेयर्स से उनकी निस्बत, हमारे बॉलर्स उनके बॉलर्स की निस्बत यंग बॉलर्स थे, और वो देखो जरा कैसे जीत गए।
उनके अनफिट प्लेयर्स ने हमारे प्लेयर्स के मुंह के ऊपर ना मैं क्या बोलूं इनको, इन्होंने डेडिकेशन दिखाई नहीं। और कैसे हंस रहा वो वहाब रियाज ना हो तो सीधे मैच में दो दो वाइडे फेंक रहे। रियल पठानों ने, हिंदुस्तान के पठानों ने नकली पठानों को ऐसा पेंटा फाइनल में मार दिया कि एक साल तक ये नहीं भूल पाएंगे। क्या बोल रहे थे भाई ये इनके एक्सपायर बुड्ढे, बोल रहे थे कि हम अपनी टीम को, बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को, रिजवान को, ये सब को हम दिखाएंगे कि मैच कैसे जीते जाते। भाई सारा मैच एक तरफ इरफान पठान का मजा आ गया भाई, भिखारियों तुम लोगों का तो संडे रात ही रात में खराब हो गया भाई। उस दिन भी नाच रहे थे वो आज भी नाच रहे हैं, तुम लोग उस दिन भी रो रहे, तुम लोग आज भी रो रहे। ये हमारा ड्रीम है कि पाकिस्तान जीत जाए इंडिया से, पर वो नहीं हो सकता, ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। हम कब जीतेंगे, वो दिन कब आएगा? सारी जिंदगी नहीं जीतेंगे, हम नहीं जीत सकते, नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते इंडिया को। इंडिया का प्रेशर ऊपर से फाइनल में, पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की आने वाली नस्लें बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तो सैटरडे है, कल संडे आएगा और इरफान पठान ट्वीट करेगा पड़ोसी को संडे कैसा रहा, तो फिर सो के गुजारना, क्योंकि आप उठोगे तो शर्म आएगी। और मैं कहता हूँ डूब के मर जाओ कि आपके यंग अंडर 19 हो गया, आपकी यंग टीम हो गया, आपके लेजेंड हो गया, फिर बची कौन सी जो इंडिया से भाई हारने वाले। यूसुफ पठान और इरफान पठान नहीं पकड़े जा रहे पूरे टूर्नामेंट में, जिस टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर होती होती अंदर आई, और आप वो टीम हो जिसने हर टीम को पछाड़ा है इस टूर्नामेंट में। सिर्फ एक साउथ अफ्रीका से आ रहे हो, पूल मैचेस में इंडिया को आपने 250 मारा है, आज फाइनल में क्या हुआ? क्या इंडिया का इतना प्रेशर है क्या फाइनल में? नहीं, ना हमारे मैन क्रिकेट कभी इंडिया से जीत पाई है, ना हमारे लेजेंड जीत पाया। यूनुस खान ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि इंडिया से 2007 का भी आज बदला लेंगे, 2024 का भी बदला लेंगे, और पाकिस्तानियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएंगे, किसी के चेहरे पे नहीं आ रही, क्या वजह है? नहीं, हमारे चेहरे पे तो मुस्कुराहट है, हाँ। क्योंकि हमारे लेजेंड्स तो इंडियंस थे, वही देख रहे थे, हम तो पाकिस्तानी को देख ही नहीं रहे थे। क्रिकेट को एक तो हमारी जो मतलब है रूलिंग क्लास है ना, उसने बहुत ज्यादा हाइप बना के पेश कर दिया, इसको एज अ खेल के तौर पर हमें लेना चाहिए। और खेल में दो टीमें खेल रही हैं, एक ही टीम से हारना है, दो टीमें अगर खेल रही हैं तो लाजमी एक की शिकस्त होनी है। बाकी एज अ होल जब हम देखें तो हमारी टीम जो है मेंटली बहुत डाउन है, मतलब जैसे हमारी कौम का मोरल डाउन है, इसी तरह हमारी जो टीम भी है वो भी बिल्कुल, वो इंडिया के सामने तो उनकी टांगे कांपने शुरू हो गई। यही तो मेरा सवाल है कि आखिर क्यों? ये है ना कि आप मेंटली और मतलब टेक्नोलॉजिकली हर लिहाज से इंडिया से बहुत पीछे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से इन पाकिस्तानियों का रोना धोना है, कि किस तरह से हमारी बुड्ढो वाली टीम ने भी इस तरह से प्रदर्शन दिखाई जिस तरह से हमारी यंग टीम प्रदर्शन दिखाती है, वहीं जिस तरह से WCL यानी वर्ल्ड चैंपियन लीग में इन पाकिस्तानियों ने बुरी प्रदर्शन दिखाया, वो भी फाइनल में, मतलब शर्मसार कर दिया पाकिस्तानी जनता को। ये पाकिस्तान वाले इस उम्मीद में बैठे थे कि 20-25 दिन बाद भारत मतलब पहले मतलब T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसका हमें जख्म लगा हुआ था, तो वहीं वर्ल्ड चैंपियंस लीग में इन पाकिस्तानियों ने फिर से हमें जख्म दे दिया। तो इन पाकिस्तानियों का रोना धोना तो लगा रहता है, क्योंकि ये जब जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो ये बुरी तरीके से पिटते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसमें तारीफ करनी होगी भारतीय मतलब उस टैलेंट की जो पीछे गुजर चुकी है, उन्होंने क्या शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, आप सबने देखा ही होगा। मतलब सभी लोग ये बातें कर रहे थे कि भारत में जो प्लेयर खेल रहे हैं WCL में, वो मतलब बाकिया कंपे जितने भी टीम थे उनसे काफ़ी मतलब पीछे लोअर थे, लेकिन इन्होंने मतलब दिमाग से काम लिया, और युवराज सिंह के कप्तानी ने क्या मतलब उनकी तारीफ करनी होगी। उनकी फिटनेस उतनी अच्छी नहीं है जितना बाकिया टीम के प्लेयरों की है, लेकिन वो फिर भी अपने टीम के लिए दिमाग से खेलते रहे और फाइनली पाकिस्तान को मतलब फाइनल में हरा कर हमने WCL का फाइनल जीत लिया। और फाइनल जीतने के बाद और यूसुफ पठान के छक्के मारने के बाद जिस तरह से इरफान पठान डांस कर रहे थे, गुस्से वाला डांस, पूरे पाकिस्तानी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है और पूरे पाकिस्तान में ट्रेंडिंग है। लेकिन आपको बता दें कि इससे इन पाकिस्तानियों को इतनी ज़्यादा जलन हो रही है कि ये सोच रहे हैं कि हम अगर फाइनल जीत जाते तो इरफान पठान मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। लेकिन इरफान पठान ने इन पाकिस्तानियों को पूरी मतलब दिखा दिया कि इन पाकिस्तानियों की कितनी औकात है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।